नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस ब्लॉगिंग वाले चैनल पे स्वागत हो। दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ कहीं घूमने के लिए दिल्ली का सबसे फेमस कुआं, जो कि काफ़ी डरावना है। देखता हूँ घूम करके कि कैसे क्या है नहीं है। दोस्तों, इस कुएं का नाम है अग्रसेन की बावली। कहीं कहीं आपको अग्रसेन की बावली लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं उग्रसेन की बावली लिखा हुआ मिलेगा। तो वहीं मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए। इस कुएं का निर्माण किया था महाराजा अग्रसेन ने। लगभग 700 साल पुराना ये कुआं है। 14वीं शताब्दी में महाराजा अग्रसेन ने इस कुएं का निर्माण किया था पानी स्टोर करने के लिए। और आज के टाइम पे ये एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, क्योंकि यहाँ कई सारे फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। और ये डरावना है इसलिए भी फेमस है। तो ये एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। उस टाइम पे पानी स्टोर करने के लिए इसका निर्माण किया गया था, और आज के टाइम पे यहाँ पे फिल्मों की शूटिंग होती है, टूरिस्ट प्लेस है, उसके साथ साथ कबूतरों का घोंसला भी है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो मैं भी जा रहा हूँ घूमने के लिए। इसमें आप सीढ़ी जो देखें यहाँ पर, तो लगभग 103 से 105 के आसपास यहाँ पर सीढ़ी है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग है। कुआँ में भी इतनी बड़ी सीढ़ी है, लगभग 60 मीटर लंबी और 15 मीटर चौड़ी है। और यहाँ पे है कुछ नहीं, बस वहाँ पे पानी है और पिक्चर्स वगैरह क्लिक आप कर सकते हैं, रील्स बना सकते हैं। तो काफ़ी सारे लोग वहाँ आते हैं घूमने के लिए। सुबह में लगभग 9 बजे के आसपास ओपन होता है, और शाम को लगभग 5:30-6 बजे के आसपास शाम में ये बंद कर दिया जाता है। वहाँ 24 घंटे ये गार्ड रहते हैं। जय श्री राम। अरे साला, यहाँ तो कैमरा भी है।
बंद हो गया अंकित, बंद हो गया भाई। चाचा खुलता कितने बजे है ये? सुबह खुलेगा 8:45 बजे। 8:45 बजे बंद कितने बजे होता है? सनसेट पे 6 बजे का टाइम। 6 बजे और ये हो गया अब बंद। चलो और ये सड़क है, इसके अंदर था वो पहाड़। और ये क्या है? पेप्सी। रणवीर सिंह दिख रहा भाई। बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। अरे पीछे पीछे पीछे, अरे भैया ठोकर मार दिए तू। मुंगेर के छे, जाओ अपन बिरादरी भगल है। की करो, बेरोजगार छी, नौकरी ढूंढे छी। फार्मा में छी हम। फार्मा? हाँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फूड डिजाइनर पति के? ग्राफिक डिजाइनर, फैशन डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर, मॉडलिंग डिजाइनर, फुटवेयर डिजाइनर, मॉडलिंग डिजाइनर, डिजाइनर। अरे कहना क्या चाहते हो? ड्रेस डिजाइनिंग ना सब बढ़िया लगा मिलकर आपको। अभी कौन कौन शो कहना चाहिए? करला चाहिए, बहुत कुत्योर छे, एशियन छे। अच्छा कत शो चल रहा छे बीच में? अभी अभी लैकमे होले ने लैकमे पे। कौन जगह पर भेल छे शो? दिल्ली में, अभी मुंबई में चल रहल छे। ई छथिन भाई जी बिहार के छथिन। कौन जिला कहलिए? मुंगेर जिला। मुंगेर जिला के छथिन और ई छथिन अहाँ के डिजाइनर, जहाँ मॉडलिंग वगैरह में अहाँ देखे होबे जो फैशन डिजाइनर जो है, मॉडल वगैरह के जो ड्रेस वगैरह जो सेलेक्ट करे छै, तो ये भाई जी सब छथिन जो मॉडलिंग वगैरह सब में ड्रेस वगैरह डिजाइन करे छथिन, फाड़ के चीड़ के एना ओना जो सारा चीज हुए, ड्रेस डिजाइनर के काम हुए। तो भाई जी से मुलाकात भेलै है, बढ़िया लागल। आगे नाम भाई जी? अभी रॉय। अभी रॉय, गूगल पर सर्च कर लिया। और हम लोग घूम करके निकल गए यहाँ से। क्या नाम था? उग्रसेनजी बावली। बावली या बावड़ी? बावली, 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 उग्रसेन की बावली। और ये ट्रैफिक वगैरह इधर थोड़ा सा कम है, गाड़ी हम लोग थोड़ा सा दूर लगाए थे क्योंकि यहाँ आसपास में पार्किंग है नहीं, तो थोड़ा डिस्टेंस पे गाड़ी लगाए थे। और हम लोग अब जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं भाई? हम जा रहे हैं, आप कुछ खाएंगे चटपटा सा, फिर हमारी शाम का मूड बन जाएगा, देन हम पार्किंग से बाइक उठाएंगे, फिर मम्मी इंतजार कर रही है घर पे। मेरा लल्ला बेटा कहाँ है? तो फिर मेरे पास पहुँचना है। यहाँ पे ना आसपास में कहीं कोई पार्किंग नहीं, तो हम लोगों ने अपनी बाइक लगाई थोड़ी सी दूर, तो वहाँ पे जा रहे हैं बाइक के पास। और यहाँ घूमे ठीक था, मतलब एक फोटो जो होता है एक सोशल मीडिया पोस्ट करने लायक, एक घंटे घूमने टाइप का ठीक है, एक आध घंटे। अगर आपके पास गर्लफ्रेंड है तो सबसे बढ़िया, नहीं है तो सबसे बुरा, बहुत बुरा फील होगा। केत, ये अंबानी के घर जैसा घर नहीं दिख रहा है? अरे हाँ थोड़ा थोड़ा, बट नहीं अंबानी का और बड़ा है भाई। अंबानी का और बड़ा है, हम गरीब लोग कहाँ समझेंगे अंबानी और दूसरे का घर। लोगों ने अपनी गाड़ी पार्किंग यहाँ की थी, वो दूर खड़ी है अपनी लाल लाल बसंती। और ये घर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और हमारी गाड़ी उधर पार्किंग है, अंकित चला गया गाड़ी के पास। ये खड़ी अपनी बसंती। कितना देर हो गया अंकित? 1 घंटा 10 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट। अंकित घूमने गया था तो कैसा लग रहा था? बस बढ़िया लग रहा था, अभी भी बढ़िया लग रहा है। कोई पसंद आई? ये सब काम नहीं करते हैं। कहे ब्याह नहीं होगा? काम नहीं, बाबूजी का दहेज कम हो जाएगा। अरे कुछ भी कह सकते हैं आप। तो दोस्तों मैं आ चुका हूं अपने रूम पे। काफी अच्छा जगह था, छोटा सा था पर काफी अच्छा था। मैंने कुछ पिक्चर्स भी क्लिक किया, कुछ रील्स भी बनाया और मैं अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करूँगा। तो मज़ा आया वहाँ पर घूम करके, और वहाँ पे मैंने कई सारे लोगों से बात भी किया, कुछ फॉरेनर्स बाहर से भी आए थे, उन लोगों से बात की, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा उन लोगों की बातें सुन करके भी। तो
तो मज़ा आया, आप लोग भी आइए घूमिए जितना हो सके, आप अपने फैमिली के साथ या फिर अपने पार्टनर्स के साथ या फिर अपने दोस्तों के साथ आइए घूमिए। अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो वहाँ पे नज़दीकी जैसे बाड़ाखंबा और जनपथ मेट्रो स्टेशन है, कैनॉट प्लेस जो जगह है दिल्ली का सबसे फेमस सीपी, उसी के आसपास में ये जगह है, आप आइए मेट्रो से। इनके साथ अपने व्हीकल से आ रहे हैं जैसे टू व्हीलर या फोर व्हीलर से आ रहे हैं तो आसपास में जो पार्किंग है आप वहीं आप अपने व्हीकल्स पार्किंग कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे अगर आप सामने अगर लगाते हैं तो पुलिस वाले आएंगे और गाड़ी उठा के ले जाएंगे, फिर आप परेशान हो गए। तो फिर इससे अच्छा है कि 10-20 रुपया चार्ज लगता है पार्किंग का, तो आसपास में जो भी पार्किंग आप अपनी गाड़ी वहीं लगाएं और आइए घूमिए। कोई चार्ज नहीं है वहाँ पे, एंट्री फीस कुछ भी नहीं है, आप आइए और इन्जॉय करिए। तो फिर चलिए दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।